सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। सीएम योगी ने यूपी में सभी मंत्रियों को उनके विभागों की कार्य योजना तय कर दी है और 100 दिन में इस कार्य योजना पर अमल की तैयारी के निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम की मंशा साफ है कि विभागों में बेहतरी से कार्य हो और आम जनता को सीधे योजनाओं का फायदा पहुंचे, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जिनमें हर कदम पर चुनौतियां हैं। पीडब्ल्यूडी में पिछले कई मंत्रियों ने सिर्फ अफसरों के साथ विभागीय बेहतरी के लिए बैठक की, लेकिन उस विभाग के संघ के पदाधिकारियों से दूरी बनाए रखी, जिसमें मंत्रियों को विभाग के बारे में जो अफसरों ने बताया वही नजर आया और विभाग में भ्रष्टाचार का खेल देखने को मिला। और कार्यदायी संस्थाएं सेतु निगम और निगम निर्माण घाटे में चले गए। संघ और अफसरों के साथ बैठक करने से पारदर्शी सूरत विभाग की मंत्री के सामने आती है और सुधार की सलाह भी मिलती है। तो सीधे तौर पे सीएम का कहना है कि अपने काम में पारदर्शिता रखें, लगातार हर एक काम पे नजर रखें और 100 दिन का जो काम है उसका ब्यौरा सीधे तौर पे सीएम को दिया जाए। यूपी की सबसे सख्ती प्राप्त बिल्डिंग निर्माण की कार्यदायी संस्था निर्माण निगम को कई राज्यों में काम नहीं मिला है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही कई चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बंपर भर्तियां निकाली जाएंगी यूपी में, जिसमें 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य भी रखा गया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनपे काम करने का निर्देश भी दिया गया है। तो अब इन सब चीजों पे जिस तरह से 100 दिन का एजेंडा दिया है सीएम ने सभी को मंत्रियों के कार्यभार के साथ, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है, किस तरह से मंत्री काम करेंगे दूसरे कार्यकाल में, जो चुनौतियां हैं उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए तीन मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से शबनम पांडे जी जुड़ेंगी, वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी जुड़ेंगे और सुशील दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है 100 दिन का एजेंडा। सीएम ने 100 दिन का एजेंडा उठाया है। शबनम जी, जिस तरह से सीएम योगी अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते हैं, सख्त निर्णय के लिए जाने जाते हैं, 100 दिन का एजेंडा ये जो दिया है मंत्रियों को, किस तरह से देखती हैं, इससे कितना बदलाव आएगा कार्यप्रणाली में? देखिए, इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी की 5 साल की सरकार रही, आवाज नहीं आ रही, बहुत से मूल चूक परिवर्तन उन्होंने किया और वो परिवर्तन निश्चित तौर पे चाहे कानून व्यवस्था को लेके हो, महिला सुरक्षा को लेके हो, शिक्षा को, पर्यटन को, तमाम ऐसे मुद्दों पे काम किया है। लेकिन अब ये जो दूसरा कार्यकाल है उसमें कार्य की गति, क्योंकि पिछले 5 साल में 2 साल कोरोना में हमारे काफी महत्वपूर्ण साल कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं हमारे विकास की गति थम गई थी और इस कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी जो कि पूरे अनुभव के साथ चाहते हैं कि प्रदेश के विकास की गति बहुत मजबूत हो, कानून व्यवस्था पहले से और बेहतर हो और साथ साथ सभी विभागों को 100 दिन का एजेंडा देकर, जिस तरीके से अगर हम देखा जाए तो स्कूल कॉलेजेस में पहले हाफयरली और फाइनल हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे सेमेस्टर सिस्टम लाया गया, ठीक इसी प्रकार से सेमेस्टर सिस्टम के ही तरीके से सरकार को चलाने के लिए भी मंत्रियों को एजेंडा दिया गया कि आप अपने 100 दिन का एजेंडा पेश करिए और उसको समय के अंदर खत्म करने का काम करिए, ताकि उत्तर प्रदेश को उसकी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन का बनाने का जो सपना है वो पूरा कर सके, महिलाओं को सशक्त करने का, युवाओं को रोजगार देने का और हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने की हम व्यवस्था कर सके। और इस पर उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ हर एजेंडे को किस तरीके उसमें टारगेट बनाने हैं आपको कि आप 10 टारगेट में उसको फिक्स करिए और 10 टारगेट में फिक्स करके उसको खत्म करिए, सबके लिए समय के अनुसार कार्य खत्म करना। और अगर मंत्रियों को ये एजेंडा दिया गया तो मंत्री अपने विभाग के प्रमुख सचिव से लेके और भी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी वो टारगेट देके उस काम को एक टीम वर्क की तरह पूरा करेंगे। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, उन सारी चुनौतियों को पार पाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ ये सरकार काम कर रही है और आप देखेंगे
कि जल्दी ही सारे जो कार्य है वो धरातल पर आपको दिखना शुरू करेंगे। पिछले 5 साल में भी हमने बहुत से अचीवमेंट किए, चाहे आवाज बनाना हो, शौचालय बनाना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड पोजीशन पे लाना हो, महिला सुरक्षा को लेके वन स्टॉप सेंटर से लेके मिशन शक्ति 1535 थानों में, यानी पिछले कार्यकाल में भी काम किए हैं और इस कार्यकाल में और तेजी लाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। दुबे जी, जिस तरह से ये कार्य दिया गया है, बड़े मंत्रियों के ऊपर शक्ति दिखाई गई है, यानी कि उनके जो अधीनस्थ होंगे वो अपने आप शक्ति से काम करेंगे, भ्रष्टाचार पे कितनी लगाम लगेगी इस निर्णय से? विजय जी, भ्रष्टाचार और जो अचीवमेंट और ये तीन अलग अलग फ्रंट है। अगर आपको ये लगता है कि जो है 100 दिन के टारगेट से जो है भ्रष्टाचार की लगाम लग जाएगी तो उसके लिए दूसरा है मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। और जहां तक बात ये है कि अगर आपको आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें सामने आए, जैसे भाई जब हम 100 दिन का और 6 महीने का और महीने भर के एजेंडे पे बात करेंगे तब हमको टारगेटेड चीजों पर बात करना होगा और हर प्रोग्राम की जो है पॉइंट टू पॉइंट पे मॉनिटरिंग करनी होगी। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो एक दूसरा फ्रंट है। अब पीडब्ल्यू, जैसे आपने अपनी बातों में पहले कहा कि पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम, ये जो दोनों ही विभाग है, सेतु निगम एक कॉरपोरेशन है जो कि देश विदेश में अलग अलग जगहों में सेतु मतलब ब्रिज बनाने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था और उसकी एक अच्छी अपनी प्रतिष्ठा थी, एक अच्छा काम किया उसने लंबे समय में। लेकिन जो जानकारियां अभी उपलब्ध हैं प्लेटफॉर्म पर जो खबरों में हैं वो ये बताती हैं कि सेतु निगम आज जो है 6,000 करोड़ से नीचे उतर के 2,000 करोड़ के टर्नओवर पे आ गया। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई कॉरपोरेशन अपना जो है जो उसकी टर्नओवर है वो डाउन हो जाए, इसका सीधा मतलब है कि उसको काम नहीं मिल रहा है। और जो मेरे पास जो जानकारियां मैंने खबरों में पढ़ी हैं उसके हिसाब से कई देशों में कई जगहों पे सेतु निगम को जो कि जिसमें कि पीडब्ल्यूडी के ही इंजीनियर्स को डेपुटेशन पे भेजा जाता है उनको कई देशों में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, मतलब आप वहां से काम भी नहीं ले सकते। तो योगी सरकार को जहां तक पीडब्ल्यूडी की बात आप कर रही हैं तो इस फ्रंट पे तो बड़ी चुनौतियां हैं और इन बड़ी चुनौतियों से कैसे वो ठेकेदारों से निपटेंगे, कैसे जो है नेताओं की नेतागिरी और ठेकेदारी जो दोनों का मिला जुला गठबंधन है उससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि केवल एक पार्टी के लोग नहीं है उसमें सारे ही जो कुर्ताधारी हैं वो सभी मौजूद हैं, सभी लोग जो है ठेके दिलवाना चाहते हैं, कमीशन लेना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो योगी सरकार है अगर अपने 100 दिन के कामकाज के टारगेट पे चल रही है, पहले तो हमें कहेंगे कि ढेर सारी शुभकामनाएं इस सरकार नई सरकार को नए एजेंडे को और नए टारगेट को सेट करने के लिए, लेकिन ये बड़ा टफ है और इस टफ टारगेट को फेस करने के लिए एक टफ मिशन भी चाहिए और ये टफ मिशन इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे मंत्रियों की छटाई कर दी गई, बहुत सारे लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनका भी तो आपको बैकग्राउंड देखना होगा ना, उनके भी साथ बैठ करके जो 100 दिन पे जैसे मान लीजिए मंत्रियों को 100 दिन के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी जो मैंने भी पढ़ा खबरों में और उसके लिए मुख्यमंत्री से इजाजत लेनी होगी। तो मैं मुझे एक बात तो समझ नहीं आती है कि एक तो जो एक स्वतंत्रता एक राजनीतिक व्यक्ति को चाहिए कि जिससे वो अपनी पॉलिटिकल विल को एक्सरसाइज कर सके, क्या वो भी अंडर कंसिडरेशन है? मतलब आप हर चीज को फ्रेमवर्क पे लिखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करने वाले लोग हैं जो इंजीनियर हैं भाई वो तो आपके रूल्स से बंधे हुए हैं, आपके नियमों के हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन राजनेताओं का भी अगर अपॉइंटमेंट किसी नियमों के हिसाब से हुआ है तो मुझे ये राजतंत्र और लोकतंत्र जो है उसमें कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो मैं इस बात से सहमत थोड़ा नहीं, यानी आपके हिसाब से शक्ति कुछ ज्यादा हो रही है जी, यानी आपके हिसाब से शक्ति कुछ ज्यादा हो रही है, इसमें कुछ सहूलियत होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या विपक्ष खुश होगा इस तरह से जो एजेंडा दिया गया है 100 दिन का, ताकि जनता को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन विपक्ष तो फिर भी सवाल उठाएगा। देखिए विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगा तो ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है
उससे तो बड़ी संकट पैदा हो जाएगा अगर आप विपक्ष को अपना काम नहीं कर रहे होंगे तो, क्योंकि जो कि सत्ता में बैठे हुए जो पार्टी है वो तो अपने हिसाब से काम करती है और विपक्ष को अपना काम करना ही होगा। अगर वो मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित होना चाहता है, विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, आपका देश जी जो है लोकसभा छोड़ करके विधानसभा में आ चुके हैं और विपक्ष के नेता हो चुके हैं, मैं समझता हूँ कि इंजीनियर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जानकारियां भी ठीक ठाक रखते होंगे और सवाल उठाने की क्षमता भी रखते हैं, तो विपक्ष को भी एक अच्छी भूमिका निभानी चाहिए और सवाल जरूर उठाने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है कि विपक्ष के पास कोई सवाल ही ना हो, वो ना उठा पाए, जिस तरह से एजेंडा दिया है उन्होंने अपने अधिकारियों को। सुशील जी, नहीं नहीं देखिए ये ऐसा है, ये काम सरकार का है कि अपने अधिकारियों को कैसा एजेंडा देती है, लेकिन विपक्ष का काम तो विपक्ष करेगा, वो सवाल न उठाने वाली स्थिति तो मतलब ये आपने ऐसी बात कह दी इसमें कि लगता है कि विपक्ष, अरे विपक्ष के पास तो अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके पास अच्छी जानकारियां हैं और उनको एनालिसिस करके सवाल तो उठाने ही चाहिए। अगर सवाल वो नहीं उठाएंगे तो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन का रोल क्या रह जाएगा। इसलिए जो है मैं नहीं मानता इस बात को कि विपक्ष के पास जानकारी की कमी होगी और वो सवाल नहीं उठा सकता है। जी, मैंने कहा कि वो विपक्ष सवाल अपना उठाएगा और वो उठाता रहेगा, उसका काम ही यही है, लेकिन सरकार मौका नहीं देना चाहती। कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्यप्रणाली देखने को मिल रही है तो सरकार चाहती है कि विपक्ष कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो और सरकार अच्छा काम कर ले जनता के लिए। सुशील जी, जो ये काम है इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार अब रोजगार के ऊपर भी ध्यान जा रहा है सरकार का, वो चाहे सरकारी हो या फिर रोजगार देने की बात हो, तो क्या इसमें सफल हो पाएगी सरकार, क्योंकि काफी प्रदर्शन देखने को मिला है पिछले कार्यकाल में, सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, सरकारी नौकरी की तरफ भी सरकार का ध्यान है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? सुशील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशील जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं, मुझसे क्या मुझसे पूछ रही है? जी जी सुशील जी, आपकी एक तो इतनी धीरे ऑडियो आ रहा है, ना मैं विजय जी को सुन पाया कुछ, ना मैं मिथिलेश जी को सुन पाया कुछ, आपकी आवाज मैं सबसे बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सुशील जी, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, हम पीसीआर टीम को कहेंगे इसका समाधान करें, मैं आपके पास लौटती हूँ। शबनम जी, महिलाओं को लेके भी कई कदम उठा रही है सरकार, आज ही एंटी रोमियो स्क्वाड ने अपना काम शुरू कर दिया है और 10 तारीख से यानी 10 अप्रैल से अब जिस तरह से महिलाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और नारी शक्ति को और साहसी बनाने के लिए जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, इसको किस तरह से देखती है महिलाओं पर भी ध्यान दे रही है सरकार? जी निश्चित तौर पे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार इसको प्राथमिकता पे इस एजेंडे को रखती है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा तमाम ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि महिला सुरक्षा जो कि हाशिए पे रहता था उस पर बहुत से ऐसे उल्लेखनीय काम किए गए जिससे जनता में एक संतुष्टि की भावना देखने को मिली थी। इस बार भी हम रोमियो स्क्वाड शुरू कर रहे हैं, रोमियो स्क्वाड में महिला भी रहेंगी और लगातार लखनऊ में अगर देखिए हजरतगंज के तमाम कॉलेजेस वगैरह के बाहर एक टीम पुरुष और महिला पुलिस अधिकारियों की घूम रही है जो बच्चों से संपर्क कर रहे हैं, लड़के लड़कियां अगर कहीं खड़े हैं या कहीं पे वो चलते दिख रहे हैं, लड़के अगर छेड़ रहे हैं तो उनसे संपर्क कर रही है, उन्हें समझा रही है, तो इस तरीके से जो स्कूल कॉलेजेस के बाहर की छेड़खानी, बाजारों की छेड़खानी जो लड़कियों के साथ होती है उस पर उनकी पूरी नजर बनी हुई है। साथ साथ उन्होंने जो महिला बीट कांस्टेबल की भी एक परिकल्पना की है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हर गांव में महिला बीट कांस्टेबल हुआ करेगी जो कि अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ जिनका समन्वय रहेगा और वो हफ्ते में एक बार ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे, ग्रामीण महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, उनकी परेशानियों की, उनकी आशाओं के बारे में जानेंगे और उनकी समस्याओं के निदान पर एक आगे बढ़कर कदम उठाएंगे। तो गांव से लेकर शहर तक महिलाओं को सुरक्षित रखने के भी प्रावधान किए जा रहे हैं। साथ साथ आपको पता होगा कि पिछले कार्यकाल में 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का बनाया गया था जिसमें 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया था। इस अभी भी सरकार ने महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए, इनके स्वरोजगार के लिए ODOP के तहत, MSME के तहत और तमाम ऐसे स्वरोजगार के लिए उन्हें
जो मौका देना और उन्हें मुद्रा आर्थिक मदद देने का कार्य भी सरकार करेगी। शैक्षिक स्तर पे भी आपने देखा है कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस से लेके सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार किया गया था, उस पर उसका काम भी प्रगति पे है और वो भी शिक्षा विभाग के 100 दिन के एजेंडे में, तमाम उस विभाग के एजेंडे में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि शिक्षा के स्तर को, उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाने का काम सरकार करेगी। आपने पिछले कई बार से सुना होगा कि पेपर लीक होने की बात, जबकि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के पहले पेपर लीक हुआ करता था, पर वो कभी कोई मुख्य खबर नहीं बनती थी, उसको दबा दिया जाता था। इससे जो हमारे कर्मठ विद्यार्थी हैं उनको बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ता था कि उसकी चीटिंग करके, नकल करके बच्चे पास हो जाते थे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता कम होने की वजह से उन्हें राज्यों के बाहर। लेकिन शबनम जी अभी भी सवालों के घेरे में तो है ही सरकार इन सब विषयों को लेके। नहीं देखिए, अगर हम कहीं सुधार करते हैं तो जो कमियां हैं वो उजागर होगी, अगर उस कमियों के उजागर होने पे विपक्ष आवाज उठाए तो निश्चित तौर से समझ में आता है कि विपक्ष इन कमियों को संरक्षण दिया करता था। पर आज अगर हम माफियाओं पे कार्रवाई करें, नकल माफियाओं पे कार्रवाई करें, या हम जो पेपर लीक होने वाले माफिया, आपने देखा DIOS बलिया को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, आपने देखा DM और SSP तक पे कार्रवाई की गई गाजियाबाद और सोनभद्र में। जब तक हम कमियों को उजागर करके गिरफ्तारी, सस्पेंशन वगैरह नहीं करते हैं, या जिन्होंने अवैध कब्जा किया उनके घर को बुलडोज नहीं करते हैं, एक उदाहरण नहीं पेश करते, विपक्ष जरूर कहेगा ये घोटाले हो गए, ये कमियां हो गई, लेकिन इन घोटाले कमियों को संरक्षण करना, मतलब सिस्टम को सड़ाना होता है और इन्हें उजागर करके उन पे कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं सिस्टम को भविष्य के लिए मजबूत करना, और इस काम में लगातार। बिल्कुल शबनम जी, उदाहरण देने की कोशिश तो कर ही रही है सरकार, जिस तरह से 100 दिन का एजेंडा भी रखा गया है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये बात और जिस तरह से संदेश पहुंचाया जा रहा है कि काम कर रही है सरकार। सुशील जी, आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी जी, तो आप किस तरह से देखते हैं सरकार के इस काम को, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या राजनीति में बदलाव हो रहा है, संदेश पहुंचाया जा रहा है जनता तक, काम दिखाने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये आगे भी ऐसे ही चलता रहना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? बेशक जो योगी जी चाह रहे थे, आते ही पिछली बार के रोमियो को जो क्या रोमी जी वाला जो मामला दिया था स्क्वाड वाला, देखिए पूरा किस पर दिया, कहीं ना कहीं केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जो कौन मनोज सिन्हा, बड़े बड़े अधिकारी, पिछली बार स्थान हो नहीं था, सांसद से नेता से हिंदू होता है तो CM बने थे, 5 साल का वक्ता बहुत बड़ा वक्ता होता है, हर मंत्री पीक करेगा, पहले सचिव पीक करते थे, आज 5 साल बाद जानना पाता था इनकी योजनाएं कौन है, चारे रोते ही रहते थे कि मेरा पता ही नहीं है, अब के प्रमुख सचिव मंत्री पीक करेंगे, हाउस में तैयारी से आएंगे, और ये सबसे बड़ी, अगर मंत्री पीक करेंगे, मंत्री जिम्मेदारी लेके विभागों की, उनकी जवाबदेही होगी, जवाबदेही होगी तो चीजें बहुत ही पॉजिटिव होगी, ये उन्होंने बहुत बड़ा काम, उसी बात अभी जल्दी काम नहीं आने वाला, अभी बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, पिछले साल लाठी चलते चलते निकल गया छात्रों के बेरोजगारों पर, रोज रोज पर्चा होती निकल गया, सबसे बड़ी बात है जैसे उन्होंने कहा 10,000 पुलिस की भर्तियां निश्चित की जाती है 3 महीने में, बहुत अच्छी पहल है, ऐसे ही शिक्षकों की, अरे हम कहते 100% नहीं, 50% बैकलॉग वैकेंसी अगर भर दी जाती है, और चूंकि अपनी योगी जी का कोई दबाव नहीं है, अपनी योगी जी को 24 का डेट को देना है, फल भी देना है, 24 का उनको अभी जो चुनाव आ रहा है उनका वो भी देना रिजल्ट, तो उनको तो हर चीज पॉजिटिव, क्रिएटिव और ढंग से रचनात्मक करनी पड़ेगी,
कर भी रहे हैं, जैसे उनके दो मंत्री बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अरविंद शर्मा जी ने जबरदस्त दो तीन दिन में दिखा दिया। साधारण तरीके से बिजली विभाग पूछे कोई कह नहीं सकता कि मंत्री कैबिनेट के मंत्री, ये लग रहा कोई मामूली आपकी बिल ठीक कराने आया है। हम तो देख रहे हैं न कुछ पॉल का काटा, ब्रजेश पाठक जी देखिए शुरू हो गए, पहले लोग जहाँ नहीं घूमते थे। करता था तो 17% बेरोजगारी को हमें
कम से कम करने के लिए हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4% किया था, पर उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार ने अपने सारे एजेंडे तैयार कर लिए हैं, रोड मैप बना लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को कहा है कि अपनी रिक्शियों को सामने लाएं, उसका एक पूरा खाका तैयार करें और मुख्यमंत्री जी उस पर समीक्षा करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा जो आप एजेंडा जो भी काम करते हैं 30 दिन में अपने किए हुए कामों की समीक्षा भी करेंगे। देखिए हमेशा हम कहते हैं कि अगर हम ईमानदारी लाना चाहते हैं, सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, कार्य की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी रफ्तार ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। और ठीक इसी उदाहरण को पेश किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। आप देखिए एक एक दिन में सरकार संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ जी 3-3 डिस्ट्रिक्ट में विजिट करते हैं और आज आप देखेंगे करीब करीब सभी विभागों के लोग धरातल पर आपको दिखते हैं, चाहे वो शहर हो या गांव है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरीके के लक्ष्य रखे हैं तो वो अपने मंत्रिमंडल में जो उनकी टीम में जितने भी मंत्री हैं उनसे भी उनकी अपेक्षा ऐसी ही रहेगी। और जब अपने सशक्त नेता को कोई इस तरीके से पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण भाव से काम करते देखता है तो निश्चित तौर पर उसका मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उनका मनोबल बढ़ता है और उनके लिए एक उदाहरण पेश होता है। और मंत्रिमंडल में जितने भी चेहरे हैं सब एक कर्मठ चेहरे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के बनी सरकार में हमेशा एक उदाहरण दिया है कि मंत्रिमंडल का कोई भी चेहरा चेहरे के नाम पे बड़ा नहीं होता है, काम के नाम पे बड़ा होता है। और किसी को भी ये कहने की का मौका नहीं देता कि हम किसी बड़े चेहरे को किसी विभाग के मंत्री के नाम पे स्थापित कर दें। ये उदाहरण कभी सरकार में नहीं मिलता। कोई भी चेहरा बड़ा बन सकता है, भले वो पहली बार मंत्रिमंडल में आया हो या दूसरी बार, और काम और प्रदर्शन वो जैसा करेंगे और उनकी काबिलियत जैसी रहेगी उन्हें उतनी ही स्थिरता मिलेगी। और ये जब लक्ष्य रख दिया जाता है तो हर किसी को लगता है कि हम अपनी काबिलियत और अपने प्रदर्शन को औरों से बेहतर दिखाएं। तो इस तरीके का लक्ष्य रखना कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिक हलके में भी एक अनुशासन को लाता है जो कि पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता था। एक राजनीतिक अनुशासन मंत्रिमंडल में होना ये पहली बार हुआ है। यही नहीं केवल कार्यों को ही नहीं, खर्चों को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने एक दिशा निर्देश दिया है कि कोई नई गाड़ियां नहीं लेंगे, घर में फर्नीचर नहीं, और जिस तरीके से पर्दे बदल दिए जाते हैं हर 5 साल में, वो पर्दे किन ब्यूरोक्रेसी के घर जाते हैं, किस कर्मचारी के घर जाते हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ करता था। तो ऐसे जो फिजूल खर्च हुआ करते थे सरकार बदलने के नाम पे, उन खर्चों पे भी लगाम लगाया गया है। तो जिस तरीके से ईमानदारी पारदर्शिता के साथ अगर सरकार काम करती है तो निश्चित तौर पे ये मैसेज नीचे जनता तक पहुंचती है, तमाम जगहों पे भ्रष्टाचार कम होता है। जी, तो फिजूल खर्ची पे तो रोक लगाने की अच्छी पहल है सीएम की। विजय जी, 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है, क्या ये आसान होगा इतने कम समय में? देखिए शिखा, क्या है कि इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है उद्योगपतियों को इन्वाइट करती है, उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए उनके लिए माहौल क्रिएट करती है। तो मैंने पहले भी जैसे प्रकार से कहा, जो जैसे आज शपथ ग्रहण हो रहा था तो मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज के, बिजनेस हाउसेस के, कॉर्पोरेट के नाम देखे थे उस लिस्ट में जिन्हें की इन्वाइट किया गया था कि योगी 2 के शपथ ग्रहण में वो सब लोग आए शिरकत करें। तो मैं समझता हूँ योगी 2 पे इस दौर में भी जो है इन सब कॉर्पोरेट हाउसेस को, इन बिजनेस हाउसेस को इन्वाइट करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के उन प्राइम लोकेशन में जहाँ की सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जहाँ की उनके लिए उद्योग की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ सरकार उनको बेहतर सुविधाएं दे सकती है, मैं भी कहूंगा, तो वहां के लिए निश्चित तौर पर उनको इन्वाइट करना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश में जो भी बड़े औद्योगिक घराने हैं वो आए अपने बिजनेस प्लान के लिए यहाँ पर सरकार से सुविधाएं जो मिल सकती हैं उनको उनकी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए और इन्वेस्टमेंट करें। जब तक कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या बिजनेस हाउसेस के बड़े इन्वेस्टमेंट हमारे उस इन शहरों तक नहीं आएंगे, जैसे कि मान लीजिए नोएडा है, अगर वो हमको वो उत्तर प्रदेश सरकार को ठीक ठाक रेवेन्यू देता है तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ किया है, वहाँ पर उद्योग पनपा है, वहाँ हमने बिजनेस हाउसेस को ठीक ठाक तरीके से डेवलप होने का मौका दिया है।
तो ऐसे क्लस्टर्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को विकसित करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब तक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, तब तक आपके पास में रेवेन्यू जनरेशन भी तो चाहिए ना। उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्सेस चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। अरे वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आप मुझे ये तो बताइए, क्या हम सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार पर चर्चा करके क्या वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकते हैं? हम उसको एक कोड ऑफ डिसिप्लिन बना सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट ऐसा काम करते हैं, सरकार बेहतर डिलीवरी करती है। लेकिन आर यू हैव टू इन्वाइट, मैं कहूंगा कि आपको कॉर्पोरेट को इन्वाइट करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक मैप पे जो है, जो हमारा इंडस्ट्रियल मैप है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर कुछ और हमारे क्लस्टर उद्योग में दिखे, कुछ और शहर हो जिनमें की कुछ और उद्योग दिखेंगे आपको, उनको बुलाना होगा। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आगरा एक लेदर इंडस्ट्री रहा है, कानपुर एक बड़ा औद्योगिक जगह रही है पिछले इतिहास के हिसाब से देखें तो ये शहर ऐसे हैं जहाँ की आप ऑलरेडी पहले से बिजनेस हाउसेस रहे हैं, उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट किया है वहां पे। ऐसे और क्लस्टर्स और शहर विकसित करने होंगे और वहां सुविधाएं देनी होंगी, बेहतर सुविधाएं देनी होंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चाहे तो योगी सरकार की जो इमेज है, पिछली सरकार का मैं जहां तक बात कर सकता हूँ कि जो इमेज योगी सरकार मैंने योगी वन में मिली है, उसकी इमेज का लाभ उठाते हैं योगी टू को उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरीके से खड़ा कर सकती है, एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए इन्विटेशन दे सकती है ऐसे बिजनेस हाउसेस को, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग लगाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर होगा, जिससे कि हमारे यहाँ और रेवेन्यू डेवलप हो। सरकार के पास में जो रेवेन्यू आएगा वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लस बाजार के एक्सपेंशन के साथ आएगा, और उसको करना चाहिए। उसके बगैर केवल सरकार अपने बजट प्लानिंग और डिपार्टमेंट की जो बातें हो रही हैं या और चीजें हो रही हैं, इससे केवल काम चलना नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि 100 दिन का एजेंडा नहीं, मैं कहूंगा कि साल भर का एजेंडा बने, 2 साल का एजेंडा बने, लेकिन आपको टारगेट ओरिएंटेड रखना होगा कि हमें 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट इन्वाइट करना होगा, कॉर्पोरेट को लाना होगा। अब वो कैसे लाना होगा, मैं समझता हूँ सरकार इसके ऊपर विचार करे, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डेवलप करे, एक प्रोग्राम निश्चित करे, तब जाकर के सब कुछ संभव है। केवल अगर मैं कहूँ कि नारेबाजी या केवल दिखाने के लिए प्रोग्राम करने में बात नहीं बनेगी, इसके लिए ठोस कार्यक्रम चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन्वाइट करने के लिए बड़े बिजनेसेस कॉर्पोरेट का डील भी करना होगा। तो योगी सरकार 2 जो है, अगर ऐसा करती है तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा सिनेरियो आने वाले दिनों में उपलब्ध हो सकता है उत्तर प्रदेश में, और युवाओं के लिए भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, उन्हें विदेशों में जाना होगा। और जहां तक आप स्वास्थ्य की बात कर रही थी, तो मैं स्वास्थ्य के पॉइंट पे एक और चीजें कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो डॉक्टर्स हैं, वो आमतौर पर देखा ही जाता है जब वो कुछ साल के अनुभव हो जाता है, उसको 20-25 साल 10 साल 15 साल काम कर लेते हैं, तो उनको उनका ये होता है कि अब हमने एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन है हमारी, तो हम क्यों नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर या बाहर विदेशों में चले जाए, जहाँ की उनको लगता है कि उनके लिए पैकेजेस अच्छे हैं, सुविधाएं अच्छी हैं। तो ये सब जो ड्रेनिंग है, जो मैं कहूँ इंटेलेक्चुअल ड्रेनिंग है, उसको रोकना होगा, जिससे वो उत्तर प्रदेश में रह सके, अपनी सेवाएं दे सके और उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा। विजय जी, हमेशा ये भी कहा गया है कि कुछ दिन ही सही, अगर अच्छे से काम कर लिया जाए तो उसका फल अच्छा मिलता है। जब हर क्षेत्र में मन लगा के हर एक मंत्री नेता अधिकारी काम करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा भविष्य में, इसकी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी जब हर क्षेत्र में काम होगा, वो भी अच्छा काम होगा। जब वर्क रिपोर्ट मांगी जाती है तो डर में ही सही, लेकिन इंसान अच्छा काम करता है, तो क्या तस्वीर आने वाले समय में देखने को मिलेगी हमें? देखिए, मैं आपकी दूसरी बात से सहमत नहीं हूँ कि डर की जरूरत नहीं है। अरे डर किस बात का और डर क्यों? अरे हम वी ऑल आर फ्री, हम सब लोग पूरी तरह से अपने काम को उसको निष्पादित करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए हम जब अपना समय देते हैं तो हमारी सोच में एक बेहतरी होनी चाहिए, और उस बेहतरी का परिणाम ये होगा कि हम एक अच्छे मोरल के साथ काम करें, और उसमें डर जैसा शब्द नहीं होता है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिलती थी, क्योंकि जब कहीं कोई रिपोर्ट नहीं देनी होती थी तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिलती थी, शायद इसीलिए ये फैसला लिया है सरकार ने। जी, शिखा आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम है ना, अगर कॉर्पोरेट सिस्टम होता तो आपको ये चीजें नजर नहीं आती वहाँ पे,
लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम में चूंकि लोग समझते हैं कि सरकारी काम है, अरे भाई सरकारी काम नहीं है, ये आपका काम है, ये आपका देश है, ये आपका देश है, ये आपका समाज है, आपको अपने लोगों के लिए काम करना है। मैं शायद उस चीज से सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सिस्टम से आपको आपको स्ट्रिक्ट होना पड़े तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रिक्ट होकर अगर डिलीवरी हो सके तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी बेहतर है। अगर अगर कुछ चीजें डार्क सपेक्ट से अगर ठीक जाती है तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा डार्क फिट अगर अगर कड़ाई करने की आवश्यकता पड़े तो करना चाहिए। और लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गवर्नमेंट सिस्टम है या गवर्नमेंट डिलीवरी है, ये देश आपका है, ये समाज आपका है, ये प्रदेश आपका है, इसके लिए बेहतर काम करिए, चाहे आप गवर्नमेंट सिस्टम हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, या आप अपने व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारी चीजें अपने समाज के लिए करना चाहते हो। जी, तो बिल्कुल अपना विभाग और अपना देश समझ के अगर हर व्यक्ति काम करेगा तो जरूर देश के, प्रदेश के, सभी की उन्नति होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों मेहमानों का, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से शबनम पांडे जी जुड़े थे, विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, और सुशील दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े थे। तो वर्क रिपोर्ट अब सबको अपनी देनी होगी और कहीं ना कहीं इस वजह से एक सुधार भी आएगा, क्योंकि जब राजनीति की बात होती है या फिर किसी सरकारी महकमे की बात होती है तो वहां पर लोग लापरवाही जरूर बरतते थे पहले, लेकिन जिस तरह से योगी मॉडल आ रहा है जो कि एक आदर्श मॉडल बनता जा रहा है, सख्ती जरूर है यहाँ पे, एक टाइम लिमिट दी गई है कि सभी को अपना काम एक टाइम लिमिट में पूरा करके देना है, और साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी सौंपनी है कि जो आपको काम दिया गया है वो किस तरह से हुआ है, कहीं लापरवाही तो नहीं है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जो ये तमाम मॉडल है, तो ये कहीं ना कहीं बदलाव जरूर लाएगा। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही, अगले अंक में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और जरूर उस पर चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव होना चाहिए और क्या ये चीज सही है या नहीं है, पूरा विश्लेषण करेंगे। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।